अच्छा जी यार, आप लोगों का इशू आ रहा है जी बैकअप। पहले आज हम बैकअप लेना सीख लेते हैं। अगर आपने सपोज अपनी विंडो करनी है या जो भी करना है उड़ाना है, एक तो आपका यहाँ पे बना होता है प्रोग्राम फाइल ECPSP, डेटा लोकल वेब। लोकल वेब में जो आपकी वेबसाइट पड़ी है, सपोज मेरी ये पड़ी जाए, ठीक है, मैं इसे कॉपी करूँगा, डेस्कटॉप पर रख लूँगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ से खोलना है लोकल होस्ट, होम, ठीक है। यहाँ पे आपके वो देगा जी MySQL में आपने जाना है, यहाँ पे वो जितनी आपने डेटाबेसेस बनाई होंगी आपकी सारी डेटाबेसेस आ जाएंगी। सपोज हमारी है WB बिजनेस, हमने इस डेटाबेस को सेलेक्ट करना है। ये देखो आपको उसने 12 टेबल दे दिए, आपके भी इसी तरह आएंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे वो जो आपने क्या आप करना है, हमने इसका बैकअप लेना है। यहाँ पे आपने चेक कॉल करना है, चेक कॉल करने के बाद आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करना है, फिर नीचे आना है। फिर नीचे आपने आके यहाँ पे होगा डिसेबल फॉरेन की चेक्स। ये जो स्टेप मैंने किए हैं ये लाजमी सारे करने हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, डिसेबल फॉरेन की चेक्स, इसको टिक करना है। इसको टिक करने के बाद आपने नीचे गो का ऑप्शन है, इसको करना है। वो आपसे पूछे डेटाबेस सेव हो गया आपकी, इधर कीजिए आपकी डेटाबेस डाउनलोड्स में आपकी ये डेटाबेस आ गई। अब ये डेटाबेस आप इसी फोल्डर में रख लो, ये आपका पूरी वेबसाइट का बैकअप हो गया। ठीक है, ये पूरी वेबसाइट का बैकअप आपके पास आ गया। अब आप अपना दोबारा डिलीट करके किसी PHP वगैरह जो भी आपका डिलीट करके सारा, ठीक है, उसके ये फोल्डर उठा के नया का आप लोग मसला आ रहा है PHP का, आप वैम कर लो, वैम कर लो, फिर उसमें ये सेम आपने वेबसाइट को रखना है, ठीक है। बताने लगा सेम आपने रखना है, ठीक है। ये सेम आपने फोल्डर उसका होता है WW में होता है, वहाँ पे आपने ये रख दिया, वो ये रख दिया। अब आपने क्या करना है, आप उसका आपने PHP एडमिन चलाना है। यहाँ पे आपने डेटाबेसिस में आना है, डेटाबेसिस पे आके आपने नई डेटाबेस बना लेनी है या सेम नेम से बना, ठीक है। अभी सेम नेम से अगर बनाओगे तो बिजी रहेगा, वो आपको कॉन्फिग की फाइल चेंज नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आप न्यू नेम से बनाते हो तो आपको कॉन्फिग की फाइल चेंज करनी पड़ेगी। लाइक हम न्यू नेम से बना लेते हैं, मैं बनाता हूँ WP Biz के साथ मैंने बनाई, पहले कह रहे WP, अब मैंने बनाई WP Biz। अब मैंने WP Biz को खोलना है, यहाँ पे मैंने क्या करना है, इंपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से मैंने करना है चूज फाइल, ये मैंने अभी कहाँ रखी है, ये रखी है, मैंने डेटाबेस सेलेक्ट करनी है, नीचे आके यहाँ से गो करना है, वो आपकी डेटाबेस इसके अंदर इंपोर्ट होगी। लेकिन अगर आप चलाओगे वो नहीं चलेगी। आपने फोल्डर का नाम नेम नहीं चेंज करना, ये मैं पहले बता दूँ, अभी फोल्डर का नेम आप लोगों ने नहीं चेंज करना। जो आपने फोल्डर यहीं यहाँ इस पूरे फोल्डर को लेके जाना है, ये नहीं करना कि इसके अंदर वाली फाइल में, इस फोल्डर का जो नाम है वही रख रहे अभी, ठीक है, क्योंकि ये डेटाबेस में नेम सेव होता है इस फोल्डर का। यहाँ तक समझ आई, ठीक है। अब हमने क्या किया, डेटाबेस इंपोर्ट कर लिए, और आपने अब पहले हमारी डेटाबेस क्या थी, WP बिजनेस थी, अब WP बिज है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अब हमने अपनी फोल्डर रख लिया, डेटाबेस भी इंपोर्ट कर ली, अब हमने अपनी इस डेटाबेस का नाम देना है, WP config में इस डेटाबेस का नाम देना है। हमने यहाँ से खोलनी है WP config, आपकी ये WP config की एक फाइल होगी, आपने इसे खोलना है। ये देखो यहाँ पे आपसे वो पहले ही पूछता है डेटाबेस नेम, अब आपने पुरानी का था आपने नहीं बनाई है, आप यहाँ पे क्या कर दोगे, WP बेस। रूट आपका यूजर नेम क्या है, रूट है, पासवर्ड उसका एम्प्टी, बाकी आपने अभी कुछ भी नहीं छेड़ना, सिर्फ डेटाबेस का नाम यहाँ पे छेड़। यहाँ से अब आप वेबसाइट को चलाओ तो आपके नई डायरेक्टरी से चल जाएगा। आपने क्या किया जी, पहले आपने क्या करना है, डेटाबेस फोल्डर को उठाना है, फोल्डर बाहर रखना है, फिर आपने क्या करना है, लोकल होस्ट अपना खोल के, ये खोल के PHP एडमिन या डेटाबेस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा लेना है, ठीक है। अब आपने नया सर्वर किया है तो
तो आपने क्या करना है, उसमें आपने डेटाबेस को नई डेटाबेस बना के इम्पोर्ट करा देना, ठीक है। ये इम्पोर्ट होगी डेटाबेस सिस्टम में, फिर आपने यहाँ पे आके डब्ल्यू पी कॉन्फिग की एक फाइल होती है, इसको खोलना है। यहाँ पे आपकी पुरानी डेटाबेस का नाम आ रहा होगा, यहाँ आपने नई डेटाबेस का नाम दे दे। बाकी क्या चीज़ यही है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ये डब्ल्यू पी बेसी है। क्लियर नहीं है, बिजनेस है वो करें इधर बिजनेस कहाँ कर रहा वो सर ये यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे पहले पुरानी डेटाबेस का नाम था ना, अब हमने नई डेटाबेस बनाई है, तो उस डेटाबेस का नाम देना है। यहाँ पे डब्ल्यू पी बेस दे दिया मैंने, आई है ये देखो डब्ल्यू पी बेस हो गया, ठीक है। तो नहीं मेरी भी ठीक है, मुझे भी यहाँ से कुछ और नजर आ रहा है। अच्छा समझ आ गया भाई, भाई आपने हमने क्लियर लेक्चर कॉड। अच्छा यहाँ तक समझ आ गई, बता दूंगा अब करोगे तो समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को मुश्किल नहीं? अच्छा जी आज हम आगे पढ़ लें, इसको यहाँ पे रोक देते हैं।